रूस को पहले ब्रसल से धमकी देने के बाद पोलैंड पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। वहां पर जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है अमेरिका की, जो कि पोलैंड में इस समय है और पोलिश सेना के साथ वो जो युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर लोग भाग रहे हैं उन सब की सेवा में भी लगी है, तो पहुंचे थे जो बाइडेन उन सब से भी मुलाकात करने के लिए। बड़े संकेत देने की तो कोशिश हो रही है। सीधे गौरव सावंत के पास चलते हैं जो कि इस समय पोलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, संकेत चाहे रूस को देने की कोशिश की जाए, चाहे वो अपने घर पर सबको संदेश दे रहे हों कि देखो मैं सैनिकों के साथ बैठकर यहां पर उनके साथ खाना पीना खा रहा हूं, मैं सबकी स्थिति समझ रहा हूं, लेकिन कुछ बंदिशें भी हैं। बंदिशें बड़ी भारी पड़ रही हैं यूक्रेन को, उकसाकर लड़ाई करवा दी नेटो देशों ने, अमेरिका ने, सब पीछे खड़े रहे, पलटकर यूक्रेन ने देखा तो गायब। अब भी वही रुख बरकरार है। क्या कर पाएंगे जो बाइडेन इस तरह की बातें कर करके अलग अलग मंचों पर जाके? गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा, 100 बात की एक बात यही है श्वेता, कि आश्वासन तो बहुत मिला लेकिन हथियार नहीं मिले, और ये बात बहुत दुख दे रही है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को। उन्होंने कह दिया कि आपके पास हजारों टैंक है, हजारों लड़ाकू विमान है। पोलैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास MiG-29 लड़ाकू विमान है जो हमें चाहिए, आप हमें टैंक देंगे, आप हमें लड़ाकू विमान देंगे, और उत्तर वही था, नहीं। शांति सेना भेजेंगे, नहीं। तो अकेला लड़ रहा है इस समय। अच्छा, वही MiG-29 है ना जिसके लिए कहा गया था कि पोलैंड में वो सब है, बस ले यूक्रेन जाकर, फिर ये कभी पहुंच क्यों नहीं पाए थे ये MiG-29s? बिल्कुल सही कहा आपने, यही वो MiG-29 है, ऑपरेशनल MiG-29 है। और पोलैंड ने कहा, राष्ट्रपति डूडा ने ये कहा कि हम इन्हें जर्मनी के रैमस्टीन एयरफील्ड पर जाके खड़ा कर देंगे, आप वहां से उठा लीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं देना चाहते। वो जानते हैं कि कल अगर रूस यहां पर यूक्रेन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहा तो पोलैंड के साथ रूस की सीमा होगी, और इससे बहुत घबराता है पोलैंड। इसीलिए वो चाहता है कि बड़ी संख्या में शांति सेना तैनात हो, अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड आए, पेट्रियट मिसाइलें यहां तैनात हो, और 82nd एयरबोर्न डिवीजन के साथ साथ और लड़ाकू दस्ते यहां पर तैनात हो, और न केवल यहां बल्कि लिथुएनिया में भी, लैटविया में भी, हंगरी में भी, रोमेनिया में भी। वो चाहते हैं कि अलग अलग बैटल ग्रुप्स यहां तैनात हो जाएं, लेकिन इसके लिए पैसा कौन देगा इतनी बड़ी तैनाती के लिए? क्या नेटो एक स्पेशल फंड तैयार करेगा, और वो पैसा क्या यूक्रेन को रीबिल्ड करने में लगेगा या फिर यहां सेना को तैनात करने में लगेगा? तो इसीलिए वो रूस के साथ अभी पंगा नहीं लेना चाहते या इस पंगे को और बढ़ाना नहीं चाहते। गीदड़ भभकी बहुत दी जा रही है यूक्रेन को, रूस को, कि अगर आपने परमाणु हथियार इस्तेमाल किए या जैविक हथियार इस्तेमाल किए तो उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या जैविक हथियार या रासायनिक हथियार इस्तेमाल करेगा रूस? रूस दूसरे महीने में क्या केवल मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए थकाएगा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता को? यह देखना आने वाले दिनों और हफ्तों में बहुत दिलचस्प होगा श्वेता। लेकिन यहां की परिस्थिति बहुत साफ है कि केवल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे बड़ी बात करेंगे, पोलैंड की सुरक्षा पर या नेटो देशों की सुरक्षा पर बड़ी बात करेंगे, यूक्रेन को हथियार तो मिलेंगे, सहानुभूति तो मिलेगी, लेकिन हथियारों और सहानुभूति के अलावा ज्यादा कुछ नहीं श्वेता। सही बात है, और हालांकि जितना हथियार यूक्रेन मांग रहा है वो भी तो उसके हिस्से नहीं जा रहा है, और पोलैंड को भी पैसे चाहिए, क्योंकि आपने भी जो रिपोर्ट की है वो हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को, कि जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, क्योंकि पोलैंड में लगभग 20 लाख लोग अभी तक आ गए हैं यूक्रेन से, आगे की ओर नहीं बढ़े हैं, पोलैंड में ही उन्हें सुविधाएं मिल जा रही हैं, वो रुक जा रहे हैं। पर पोलैंड भी एक बहुत समृद्ध देश है नहीं, वो कितने दिनों तक और किस तरीके से इन रिफ्यूजीज को रखेगा अपने पास? जो बाइडेन जिस शरणार्थी कैंप में जाएंगे, जब वो वॉर्सो जाएंगे, गौरव सावंत वहां पर पहले पहुंचे और आपको बता रहे हैं कि किस तरह का ये कैंप है। हर रोज हजारों की संख्या में शरणार्थी यहां पोलैंड पहुंच रहे हैं। ये वॉर्सो का सेंट्रल स्टेशन है, यहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्था, और यहां से उन्हें सुरक्षित उन स्थानों पर ले जाया जा रहा है जहां वो सुरक्षित रह सके कुछ समय के लिए। 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी पिछले एक महीने में यूक्रेन से भागकर पोलैंड आए हैं। वैसे तो जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं अपने ही घरों में, वो संख्या 30 लाख से ज्यादा है। लेकिन उन शरणार्थियों को, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ गर्म खाना, यहाँ तापमान रात में 0 से 3 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है, दिन के टाइम 10 और 11 डिग्री तक रहता है, और ऐसे में अपने घरों से कुछ लोग तो केवल अपने बच्चों के साथ, और ज्यादातर ये महिलाएं और बच्चे हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, क्योंकि जितने भी
18 से 50 55 वर्ष की आयु के लोग हैं पुरुष, वो तो अपने देश की रक्षा के लिए, यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें यहाँ आना मना है। लेकिन बाकी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दुनिया के कई इलाकों से स्वयंसेवी भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वॉलंटियर्स यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। हमारे साथ परितोष है, परितोष यहाँ पीएचडी भी कर रहे हैं और वॉलंटियर भी है। परितोष, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है इन इस तरह के शरणार्थी शिविरों में? ओके, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयज से बोला है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो करें, और लोग काफ़ी आगे बढ़ बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, पोलिश लोग। पोलैंड के लोग तो बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन जो समाज सेवी हैं या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे जो शरणार्थी भाग कर आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं? आई थिंक जितना मुझे पता है वो काफ़ी उनके फूड का काफ़ी टेक केयर कर रहे हैं, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल स्टेशन में इनकी जो लोकल बसेज हैं वो यहाँ पे लोगों को पहुँचा रही है। जो आउटस्कर्ट्स में जो जगह हैं, कुछ लोगों ने अपने घर या रूम दिए हुए हैं, वहाँ पे उनको रुकवा रहे हैं, तो जितना मुझे पता है यहाँ का 20 लाख से ज़्यादा शरणार्थी अब तक आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ भी सकती है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉरसॉ पोलैंड आज तक।